देखिए, गोल्ड मेडल को लेके उन लोग का कहना है कि कहीं राष्ट्र कहीं तो अभी देखिए इतना ह्यूज क्वांटिटी में हम लोग मंगाते हैं, और हमारा ये जो टूर्नामेंट है, आप पहले जान के चलना है कि ये कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टूर्नामेंट नहीं है। ये हमें हमको आज जो इनका जो एंट्री फीस वगैरह है वो भी बहुत एक रिजनेबल एंट्री फीस है, उससे ही ये टूर्नामेंट को चलाना पड़ता है। और पैसा नहीं जोड़ता है तो हम कहीं हम बाहर से नहीं मांगते हैं। नहीं, आप हम पूछ सकते हैं कहीं आप अरुणाचल में किसी अभी आप कहीं भी जाके, जैसा आपको आजबा ने स्पॉन्सर मांगा कि नहीं, हम सब कहीं से स्पॉन्सर भी मांगता नहीं है, क्योंकि हमारा इवेंट ही इतना, हमारा ईयरली 7 इवेंट है। हमारा 3 सब जूनियर रैंकिंग है, आपका 2 वेटरन का है, और हमें सीनियर का एक है, और डी के टूर्नामेंट एक है। उनमें से सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सर है डी के टूर्नामेंट, बाकी हम सब अपने आप से ही, जो हमारे आजबा का टीम है हम लोग उनसे ही मिलके चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट, ये जो फर्स्ट रैंकिंग कराया है दोईमुख ने कराया था, दोईमुख जो एसोसिएशन काफ़ी अच्छा से कराया था, उनको भी काफ़ी कमियां हुआ था, तो उसमें से भी हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर ने हमें खुद कंट्रीब्यूट करके दोईमुख एसोसिएशन को भी दिया। क्योंकि बैडमिंटन में आप एक शटल कोक भी बहुत कॉस्टली है, एक शटल कोक का एक ट्यूब का दाम ही कम से कम आपका 1500 है, उसका MRP तो 2000 वगैरह होता है। तो इसमें से हमारा जो जो चिल्ड्रेन से बच्चे से जो एंट्री फीस वगैरह आता है बहुत कम हो जाता है, जैसे कि 1,60,000। तो इसमें पार्टिसिपेंट इतना होता है, लगभग दोरजी खांडू टूर्नामेंट का बराबर ही पार्टिसिपेंट आ जाता है कभी। तो उसमें दोरजी खांडू टूर्नामेंट में यही सिर्फ डिफरेंस है कि वहाँ में हम लोग को फूडिंग लॉजिंग देना पड़ता है, बाकी एक्सपेंसेस तो सब वगैरह सेम ही होता है। लेकिन अभी भी हम लोग टूर्नामेंट कराने के बाद भी बहुत कष्ट से जो पैसा नहीं जुड़ता है, तो हमारा सेक्रेटरी जनरल और हमारा जो टीम है वो लोग अपना पॉकेट से कंट्रीब्यूट करके हम लोग इनको देता है। और रिगार्डिंग कोचिंग का ऐसा है कि हम जो लास्ट टाइम काफ़ी समय से गोपीचंद एकेडमी में और बाहर का प्रकाश पादुकन एकेडमी में और कहीं एकेडमी में बच्चे लोग ट्राई कर रहा था, तो यहाँ से जाने जाने के लिए बहुत पैसा लगता है वहाँ पे, और फिर आपका वहाँ पे रेंट हाउस वगैरह लेने के लिए भी पैसा लगता है, क्योंकि सबको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो इस उसको ही देखते हुए हमारा सेक्रेटरी जनरल ने पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग करते हुए, तो हमारा जितना पेरेंट्स उसमें उन लोग का बीच में ही एक ग्रुप बनाया, तो उसमें ही उन लोग का ट्रेजरर बनाया, उन लोग का सब कुछ वो लोग ही करेंगे, सिर्फ हमको ढूंढना है कोच, और हमको ये जहाँ में हम प्रैक्टिस करेगा वो एरिना को देना है, बाकी सब पेरेंट्स करेगा। हम लोग आजबा पूरा ट्रांसपेरेंसी रखता है, कहीं में हम लोग का कहीं में पैसा जो लिखा है ये करता है, वो स्पोर्ट्स में आप हो ही नहीं सकता, स्पोर्ट्स में कोई हेरा फेरी हो ही नहीं सकता, मतलब आप ये चीज़ को लेके कहीं स्पोर्ट्स से हम लोग पैसा, यहाँ सब वॉलंटरी सर्विस करता है, इसलिए हम लोग को कहते हैं ऑनरेरी सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। ऑनरेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपना ऑनरेरी से काम को करता है। मेडल तो आप घर में रख के भी मेडल रस्ट हो जाएगा, आप कई समय रखने से भी। ऐसा ही अभी पेंडेमिक का समय था, फेब्रुआरी में एक टूर्नामेंट हुआ था, तो हम लोग ह्यूज क्वान्टिटी में सामान मंगाते हैं, तब ह्यूज क्वान्टिटी में मंगाते हैं क्योंकि एक साल के 2-3 टूर्नामेंट उससे ही चला जाएगा, क्योंकि ह्यूज में मंगाने से क्या होता है, थोड़ा मतलब ये आपका पैसा में कमियां थोड़ा आ जाता है, उसमें डिस्काउंट कुछ हो जाता है। तो क्योंकि हम लोग को स्पॉन्सर तो करता नहीं है, क्योंकि बच्चा को हम लोग इतना प्लेटफॉर्म दे रहा है साल में, आप हम किसी को नहीं बोलेंगे, आप इंडिया लेवल में जैसा प्लेटफॉर्म देता है अरुणाचल भी वैसे ही कोशिश कर रहा है। आपका 3 रैंकिंग आपका नोटिस में मैं कह सकता हूँ, मैं आप कहीं आप मीडिया है, नोटिस में भी 3 रैंकिंग बहुत मुश्किल से खिलाता है, 2 वेटरन का रैंकिंग भी बहुत मुश्किल से खिलाता है। 60 टूर्नामेंट चलाना मीन्स बहुत एसोसिएशन का ऊपर भी बहुत कष्ट होता है। आपका एक एम्पियर, एक टेक्निकल ऑफिसर जो नेशनल एम्पियर है, जो स्टेट एम्पियर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।